तो लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण में गोड्डा लोकसभा सीट पर भी मतदान होना है। 1 जून को गोड्डा लोकसभा सीट पर मतदान होगा और यहां से अगर हम दावेदारी की बात करें तो एनडीए प्रत्याशी निशिकांत दुबे हैं जो मौजूदा सांसद भी हैं और एक बार फिर से उनकी दावेदारी जो है वो काफी मजबूत लग रही है क्योंकि वो खुद ये दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि गोड्डा लोकसभा सीट पर उनका कोई मुकाबला ही नहीं है। वहीं दूसरी ओर अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन ने पहले दीपिका पांडे को उम्मीदवार बनाया था लेकिन उसके बाद प्रत्याशी वहां पर बदले जाते हैं, प्रदीप यादव को उम्मीदवार बनाया जाता है और उसके बाद से प्रदीप यादव रुकते नहीं हैं। लगातार प्रदीप यादव भी गोड्डा के इस किले को फतह करने की तैयारी कर रहे हैं। गोड्डा में इस बार परिवर्तन होगा इस नारे के साथ, इस कैंपेन के साथ प्रदीप यादव भी चुनाव की तैयारियों में खूब जोर शोर से जुटे हुए हैं और गोड्डा लोकसभा सीट पर जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, गोड्डा लोकसभा सीट की जो दिलचस्पी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। गोड्डा लोकसभा सीट के लिए एनडीए ने जहां पूरी ताकत झोंकी हुई है, वहीं इंडिया गठबंधन भी खूब जोर आजमाइश करते हुए इंडिया गठबंधन के बड़े नेता भी नजर आ रहे हैं। कल की अगर बात करें तो देवघर में जहां इंडिया गठबंधन के नेताओं ने रोड शो किया, इंडिया गठबंधन के नेताओं के रोड शो में जो कांग्रेस के झारखंड प्रेसिडेंट हैं राजेश ठाकुर वो मौजूद रहे, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता मौजूद रहे, तो वहीं दूसरी ओर गोड्डा में एनडीए की ओर से दिनेश लाल निरहुआ जो सांसद हैं उन्होंने भी रोड शो किया, उनके साथ अभिनेत्री आम्रपाली दुबे भी मौजूद रहीं। तो दोनों ओर से पूरी ताकत झोंकी जा रही है जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, गोड्डा लोकसभा सीट के लिए दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। हमारे साथ वहां के सियासी समीकरणों को समझेंगे, हमारे साथ अजय जी जुड़े हुए हैं गोड्डा से और सीधा उनका रुख कर लेते हैं। अजय, हमें ये बताइए कि गोड्डा लोकसभा सीट एक बार फिर से हाई प्रोफाइल सीट बन गया है क्योंकि यहां पर इंडिया गठबंधन की ओर से ये दावेदारी की जा रही है कि यहां इस बार परिवर्तन की लहर है। क्या आपको लग रहा है यहां परिवर्तन होने वाला है या निशिकांत ही फिर बाजी मारेंगे? सर, जैसे कि देख पा रहे हैं गोड्डा, झारखंड का गोड्डा लोकसभा सीट ऐसा हॉट सीट बन चुका है, यहाँ की चुनाव इस बार काफी टफ हो रहा है। अगर हम निशिकांत दुबे की बात करें तो लगातार 3 टर्म रहने वाले सांसद, वो भी लगातार चौथी बार जीत दर्ज करने के लिए लगातार जी जान मेहनत कर रहे हैं। अगर वही हम कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप यादव की बात करें तो जैसे कि आपको पता है कि पहले यहाँ से दीपिका सिंह पांडे को टिकट मिला था लेकिन किसी कारणवश टिकट का उनका टिकट हटा करके प्रदीप यादव को कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में बनाया गया था। और जिस प्रकार इंडियन अलायंस की तरफ से लगातार बड़े बड़े नेताएं गोड्डा दौर 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 में लगे हैं, लोगों लोगों को रुझाने में लगाया है, तो इस बार लग रहा है कि कहीं ना कहीं गोड्डा एक अलग सोच रही है। अगर हम गोड्डा की बात करें तो लगातार ये त्रिकोणीय श्रृंखला होते हुए नजर आई है। अगर एक प्रत्याशी निर्दलीय प्रत्याशी अभिषेक आनंद की बात करें तो वो भी लगातार गोड्डा में अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए और लोगों का उनका लिए लोगों का अपार समर्थन भी मिल रहा है। सर, इस तरह से गोड्डा काफी हॉट सीट बन चुका है और यहाँ की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं इस प्रकार अभिषेक आनंद की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं अगर ये वोट किसी का काट रहा है तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी को ही नुकसानदायक कर रहा है। तो इस प्रकार यहाँ पे गोड्डा काफी कांटे की टक्कर होते दिख रहा है। बिल्कुल, गोड्डा में कांटे की टक्कर है और कांटे की टक्कर इसलिए भी है, गोड्डा लोकसभा सीट की बात करें अजय तो निर्दलीय प्रत्याशी अभिषेक आनंद झा भी इस बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और हमने बीते कई दिनों से देखा है कि वो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, कई वर्गों का उन्हें जनसमर्थन भी मिल रहा है, पुरोहितों का समर्थन मिल रहा है। इसके अलावा वो भी दावेदारी कर रहे हैं कि हम एक बड़े मार्जिन से हम भी अपना प्रभाव इस पूरे चुनाव में छोड़ेंगे। तो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जो मैदान में है अगर हम उनकी बात करें, उनसे उन पर अगर आपसे सवाल लें तो उनका प्रभाव कितना देख रहे हैं आप इस पूरे मतदान की प्रक्रिया में? घर तो उनका घर घर रहा है सर। अगर हम गोड्डा वही छोड़ के थोड़ा सा आगे हटके गोड्डा आ जाए तो गोड्डा में भी उनका पुराना रिश्ता रहा है सर। कहीं ना कहीं उनके घर से भी जो जानकारी मिल पा रही है कि कहीं ना कहीं उनसे उनके भी घर से यहाँ से कोई विधायक रहे हैं। इस प्रकार लगातार वो भी गोड्डा में मेहनत कर रहे हैं और जिस लोगों का समर्थन अपार समर्थन भी उनको मिल रहा है सर। तो कहीं ना कहीं गोड्डा एक प्रकार त्रिकोणीय श्रृंखला होती हुई नजर आ रही है, कहीं ना कहीं बिल्कुल कांटे की टक्कर होते दिख रही है गोड्डा। बिल्कुल, त्रिकोणीय मुकाबला है और अब चुनाव प्रचार के 1 दिन शेष रह गए हैं तो पूरी ताकत झोंकी जा रही है, चाहे इंडिया अलायंस की बात करें या फिर एनडीए की बात करें। और आज
देवघर में रोड शो होना है अजय, जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके रोड शो का कार्यक्रम है, जनसभा का भी आयोजन किया जाना है, इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या अपडेट है? जी पूरी लगातार बड़े बड़े नेता अगर अगर अभी आज जेपी नड्डा का कार्यक्रम देवघर में होना है, इसके पहले भी राजनाथ सिंह जो कि केंद्रीय रक्षा मंत्री थे वो भी गोड्डा आए हैं, और उनके बाद कांग्रेस के तरफ से प्रियंका गांधी भी लगातार गोड्डा दौरे में है। कल्पना सोरेन की अगर बात करें तो लगातार गोड्डा में ही उनका जनसंपर्क अभियान चल रहा है, तो इस प्रकार गोड्डा काफी कांटे की टक्कर होते दिख रही है सर। अब इस बार के लोगों में क्या रुझान है, लोगों की इस प्रकार देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं लोगों में परिवर्तन, एक तरह से परिवर्तन की ओर दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं गोड्डा लोकसभा सीट हॉट सीट ठीक है। तो परिवर्तन की बात हो रही है, जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं प्रदीप यादव वो परिवर्तन की बात कर रहे हैं, वहीं निशिकांत दुबे ये दावा कर रहे हैं कि यहां पर कोई मुकाबला ही नहीं है। बहरहाल मुकाबले में कौन है और किसके दावे में कितना दम है, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा 4 जून का, जब उस सीट पर स्थिति स्पष्ट होगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद अजय हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो फिलहाल खबरों में वक्त हो गया है एक ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं।